Bless you. Ladies and gentlemen, please put your hands together one more time for Miss Vijaya Pandit, please. Thank you, ma'am. Please, one more time, I request you to kindly put your hands together. I'd like to felicitate Mr. Ajit Singh Chadda. और आपकी मुस्कुराहट देकर, ladies and gentlemen, please put your hands together. मेरे पास सच में शब्द नहीं है. I'm feeling completely delightful taking a look at our lovely Miss Vijaya Pandit, ladies and gentlemen. Thank you, ma'am. Thank you for your love and support. And now I'm going to request you to tell Farah ma'am to please speak a few words because she's here with you. But आज का शो मुझे really इतना अच्छा लगा है. I'll sing a few lines from my song, Love Story. And सर हम महाराष्ट्र की तरफ से हम लोग
फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं अप्सरा महाराष्ट्र 2019 के लिए, उनको मेरी शुभकामना, ब्राइट फ्यूचर और बेस्ट ऑफ लक। और ब्राइट इसके हिस्सा है, और स्मृति जी और शेखर जी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतना बड़ा इवेंट उन्होंने किया, और बरसों से 5 साल से इवेंट कर रहे हैं, और 99% मूवी सीरियल एवॉर्ड एल्बम में ब्राइट जुड़ा हुआ है, और ऑफिशियल आउटडोर पार्टनर हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और महाराष्ट्र का एक इवेंट हो रहा है और उसका मैं साथ दे रहा हूँ। भाई सबसे बड़ी बात है, मेरा शुभकामना है शेखर जी को और सुमिति जी को, जो उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ, इतनी इज्जत दी है, थैंक यू वेरी मच। और इतना अच्छा शो चल रहा है, इतना अच्छा फंक्शन चल रहा है, इतने अच्छे आर्टिस्ट आए हैं, सब अलग अलग मिसेज इंडिया, मिस इंडिया सब आए हैं। अभी देखो अप्सरा महाराष्ट्र कैसे आ रहा है, कैसे नई चीज़, एक नया एक मैं फर्स्ट टाइम फिल्म लाइन के, हमेशा फिल्म लाइन के शूटिंग्स में जाता हूँ, उनको बोलता हूँ, आज मैं फर्स्ट टाइम रैंप वॉक में आया हूँ एज ए गेस्ट। अप्सरा महाराष्ट्र, ये मैं खुद महाराष्ट्रीय हूँ तो मुझे बड़ा गर्व है कि महाराष्ट्र की अप्सराओं को इस तरह का अवसर मिल रहा है। आई एम सो हैप्पी फॉर दिस पेजेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक अच्छा मोमेंट है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर, थैंक यू सो मच। बट जहाँ तक मैंने देखा एंड इट वाज वेरी नाइस एंड मुझे लगता है कि और आगे बढ़ना चाहिए लड़कियों में जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, दे हैव अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस एंड दे हैव अ गुड टाइप ऑफ आंसर दे गिव एंड दे सच अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड दे वांट्स टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी एंड थैंक यू स्मृति पंचाल। आई एम सो प्राउड टू कम हियर, और ये शो इनका देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई हैव बीन टू मिस इंडिया, मिस इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट ऑल्सो, बट ये इतना ब्यूटीफुल लगा, स्पेशली द महाराष्ट्र फर्स्ट एंट्री जो लड़की को हुई। एंड व्हाट आई लव इज कि दीज गर्ल्स आर नॉट मॉडल्स एंड प्रोफेशनल्स, बट जिस तरह इन्होंने उनको ट्रेन किया है, दे लुक सो प्रोफेशनल, दे लुक सो गुड, कि मैंने इनको प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट ईयर आई वुड लव एंड कम एंड गिव वन लेक्चर टू देम, टू द अपकमिंग मॉडल्स एंड देयर कंटेस्टेंट्स। थैंक यू सो मच, इट इज सो ब्यूटीफुली डन। जी सबसे पहले तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, मुबारकबाद दूंगा, और टू थैंक यू। जी जी, और जो दो लाइन के अंदर बात बोलना चाहूँगा कि बेसिकली क्या होता है कि ये एक इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लोगों को, मोहतरमाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कि वो किचन से निकल के आगे बढ़ें। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म और क्या हो सकता है। कि अभी मैं सुन रहा था अंदर, बहुत खूबसूरत बात बोल रही थी मोहतरमा कि रात को 12:30, 2 बजे, 2:30, 3 बजे भी किसी की मदद के लिए वो पहुँच जाती है। तो इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं और इसके लिए प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से मैं तो दुआएं करूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि इनका जो अप्सरा अवार्ड है, अप्सरा जो फेस्टिवल है, ये और आगे बढ़े। अप्सरा महाराष्ट्र ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में पहले से चल रहा था, हमको कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में महिलाओं को जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए अब तक मिलता नहीं है। तो इस अप्सरा कॉन्टेस्ट के जरिए मैं उनको एक प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि वो लोग जिंदगी में शादी हुई है हो या नहीं हुई है हो, लेकिन उनको जो देखने का जरिया है वो आम इंसान को लोगों के लिए बदलना चाहिए। क्योंकि अब तक जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए था, जो सुबह से उठ के वो लोग शाम तक अपनी जिंदगी में जितना बिजी रहते हैं, सुबह उठते ही जैसे बच्चों के और पति के लिए लेके, शाम को जब तक पति आता नहीं है घर पे, बच्चे घर पे आता नहीं है, तब तक उनकी जो क्रियाएं होती हैं उनमें से बाहर नहीं आ पाती है वो। ये करने के बावजूद भी उनको एक, और ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से उनको एक अच्छा लेवल मिलेगा कि भाई एक अचीवमेंट और भी कर सकते हैं लाइफ में। घर के बाहर निकल के अपने पैरों पर खड़ा रहना उनको सीखना बहुत ही ज़रूरी है आज के ज़माने में, क्योंकि आज इतना कॉम्पिटिटिव ज़माना है कि खाली एक हस्बैंड घर में पैसा लेके आने से घर चलता नहीं है, क्योंकि लोगों का देखने का पूरा चेंज हो गया जरिया। तो एक महिला भी उसमें मदद करती है तो क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत ही अच्छा सुधार हो सकता है।
सोच बदल गई है, जमाना बदल गया है ना। अभी जो अब वो औरत जो है वो किचन तक सीमित नहीं रही है, बहुत आगे आ गया हमारा कॉन्सेप्ट। आने वाले वक्त में अब आप देखिएगा आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, ये प्रेडिक्शन है ये, और आने वाला फ्यूचर है। अभी औरतें मर्दों को पछाड़ के आगे निकल जाएंगी, आप देखिए आने वाले टाइम में ये हमारा यही कॉन्सेप्ट है, किचन टू कॉर्पोरेट। हमारा कॉन्सेप्ट किचन टू कॉर्पोरेट है और हम उससे ही लेके आगे बढ़ रहे हैं। चयन कैसे होता है, इनका चयन कैसे होता है? चुनाव, चुनाव सिलेक्शन ये थ्रू आउट ऐसा ये सीमित है कि अप्सरा महाराष्ट्र करके महाराष्ट्र की थी सीमित है, क्योंकि बम्बई में आज है हर प्रांत से कोई यहाँ पे जीने के लिए आता है, तो हमारा जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं हम पहुँचते हैं, लेकिन जहाँ भी अभी ये जो चुनाव आपने किया है ये फंक्शन चल रहा है, कहाँ से आई है, जहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं, जैसे हम लोग ऑडिशन रखते हैं नासिक में, कोल्हापुर में, पुणे में, लेकिन कुछ जहाँ पे हम नहीं पहुँच सकते हम ऑनलाइन ऑडिशन लेते हैं उनका, कि भाई वीडियो कॉल करके उनका प्रोफाइल मंगाते हैं, बात करते हैं, और ये प्रोफाइल देखने के बाद हम उनको सिलेक्शन करते हैं। जैसे मार्केट करते हैं यहाँ पे, खासतौर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ सब लोग रहते हैं, हर यूपी वाले भी है, राजस्थान वाले भी है, उत्तर वाले भी है, आप सिर्फ महाराष्ट्र सब लोग हैं कि महाराष्ट्र नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में हर इस प्रांत में बम्बई में हर कोई कहाँ से आता है, अभी कुछ है इंदौर से आए हुए हैं, कुछ गुजरात से आए हुए हैं, सब सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। महाराष्ट्र में जो भी रह रहा है, चाहे वो यूपी से है, चाहे वो बिहार से है, चाहे वो पंजाब से है, चाहे वो आंध्रा से है, जो महाराष्ट्र में रह रहा है वो सबके लिए यहाँ पे न्योता था। आइए और आगे पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू थैंक यू।